go. Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So today we are exploring a new market which is in Noida. इसका नाम है शाह बेरी मार्केट और ये फर्नीचर के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है और मैंने सुना है कि ये थोड़ा बहुत लाइक नोएडा का बंजारा मार्केट भी है, पर ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा. तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में. I guess it is somewhere in Greater Noida. इसकी लोकेशन जो गूगल पे आ रही है, बट जिधर हम जा रहे हैं उधर देख के तो लग रहा है कि हम गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं. Let's see where it is. I have a lot of expectations क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत वीडियोस में देखा है, there are a lot of varieties in furniture, decor और price range भी अच्छा है. So let's see क्या मिलता है हमें यहाँ पे. In the meantime मैं आपको रास्ते के लिए बता दूंगी कि कहाँ कौन सा nearest milestone है, किस तरफ से आप जाएं. So, आपको ये गौड़ वाली सोसाइटी दिख रही है, यहाँ से बस 3 किलोमीटर और आगे है, तो होपफुली इसी रोड पे एंड तक है मेरे ख्याल से. शायद इधर भी देखिए गौड़ सोसाइटी है ऑन योर लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स एंड द रोड गोइंग इन सेंटर इज टेकिंग अस टू शाह बेरी. यहाँ से शाह बेरी मार्केट शुरू हो गई है. आप मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख सकते हैं कि मार्केट्स शुरू हो गई हैं, शॉप्स लगनी शुरू हो गई हैं. तो ऐसे ही आपको आगे जाके बड़ी बड़ी शॉप्स दिखेंगी. तो मेरे लेफ्ट में ये एक बहुत बड़ी शॉप है, ए टू जेड होम डेकोर. यहाँ से समझ लीजिए मार्केट शुरू हो गई है. आपके लेफ्ट में भी ऐसे बड़े बड़े से वेयर हाउस टाइप के टेंट्स बने हुए हैं. अंदर आपको सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, साइड टेबल्स, अलमिराज, ऐसे बड़े फर्नीचर यूनिट्स आपको आराम से मिल जाएंगे इस मार्केट में. डेकोर कैटेगरी में चीज़ें कम हैं, पर फर्नीचर बहुत है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे आप ये बेड्स देख रहे हो, बहुत सारे बेड्स अलग अलग बेड हेड के साथ, कुछ थोड़े से ट्रेडिशनल स्टाइल में, कुछ आजकल जैसे चल रहे हैं. ये वाइट एंड ब्लू वाला मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने मुझे 60,000 बताया. देन आई रियलाइज कि ये इतने इकोनॉमिकल मार्केट नहीं है जितना कि और यूट्यूब वीडियोज़ में मुझे देखने को मिला, या फिर मे बी कोविड के बाद भी कुछ लोगों ने नेगोसिएशन थोड़ा कम कर दिया है यहाँ पे. ऐसी एक्सेंट चेयर्स आपको 8,000 to 9,000 में कोट प्राइस है, उसको आप बार्गेन करा सकते हो. देन सोफ़ा मिल जाएंगे. ये देखिए आप ये रैक देख रहे हो, ये उन्होंने हमें 6,000 का बताया था और ये चेयर उन्होंने हमें 4,000 की बताई थी और पूरा सेट अराउंड 12,000. देन आप बहुत सारा वुडन फर्नीचर यहाँ देख रहे हो, जैसे कि ये टीवी यूनिट है, इसका कॉस्ट उन्होंने हमें 20,000 बताया था. ये एक डेस्क है जिसका कॉस्ट उन्होंने हमें अराउंड 20,000 बताया था. सो इट इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिकल. हाँ, आप बार्गेन करने का थोड़ा सा स्कोप है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है. 1,000 रुपये 1,500 रुपये मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा वो कम नहीं करते हैं. सो आई डोंट फील लाइक कि इसको आप बंजारा से कंपेयर कर सकते हो, पर हाँ, चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी. ऐसे साइड टेबल्स बहुत सारी हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1,500-1,600 पर पीस एंड गोज़ अप टू 5,000. डिपेंड करता है आपको ग्लास टॉप वाली चाहिए, ऐसे प्लाई बोर्ड वाली चाहिए, या वुडन वाली चाहिए, शीशम के, आम की लकड़ी वाली. ऐसे टेबल्स मार्बल टॉप वाले भी मिल जाएंगी. ये जो लोहे की अलमिराज होती हैं ये बहुत ईजिली मिल जाएंगी. ये सब रीज़नेबल कॉस्ट पे है, पर बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, ऑल दीज थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड इतना ज़्यादा लोग बार्गेन नहीं करते हैं. दो ऐसी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. हाँ, पेपर फ्राई और अर्बन लैडर से तो बहुत कम कॉस्ट है, बट स्टिल इट इज़ नॉट लाइक अ थ्रिफ्ट मार्केट या बंजारा मार्केट की तरह तो नहीं है डेफिनेटली. हाँ, बट यहाँ चीज़ें भी बहुत डिफरेंट मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ फर्नीचर आपको हार्ड फर्नीचर, बड़ा फर्नीचर मिल जाएगा, पूरा पूरा सेट नया बनाया हुआ लोगों ने, लोग जो यहाँ सेल कर रहे हैं वो मिल जाएगा आसानी से. जैसे आप सोफ़ा देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, अलग अलग कलर्स हैं, न्यूट्रल कलर्स हैं, बोल्ड कलर्स हैं. जैसे कि ये सामने रॉयल ब्लू कलर का सोफ़ा वॉज ब्यूटिफुल. ऐसे ऑटोमेंट्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे स्टूल मिल जाएंगे, कुछ एक्सेंट चेयर्स आसानी से मिल जाएंगी, बहुत ही कलरफुल पेपी कलर्स में, जैसे कि येलो है और ऐसी टील और पिंक कलर में भी मैंने देखी थी. पर उन्होंने हमें इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 12,000 to 15,000 पर पीस बताया था, विच इज़ नॉट वेरी अफोर्डेबल. यू कैन गेट द सेम थिंग इन पेपर फ्राई अराउंड द सेम कॉस्ट एंड दे डिलीवर इट टू योर होम. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्लांटर्स, पॉट्स, नर्सरी टाइप की ऐसे भी कुछ कुछ शॉप्स हैं जहाँ बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं.
तो मेरा ओवरऑल जजमेंट शाहबेरी मार्केट को लेकर ये है कि हाँ, अगर आप नया घर ले रहे हो, आपको बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, ऐसे बड़े बड़े पीसेस ऑफ फर्नीचर चाहिए, तो आपको डेफिनेटली इस मार्केट में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, गुड क्वालिटी स्टफ़ है, और आप कस्टमाइज भी करा सकते हो चीज़ें, अपने हिसाब से कलर चेंज करवा सकते हो, वो सब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. बट इट्स नॉट एज अफोर्डेबल एज बंजारा मार्केट, गुड़गांव, और मे बी एनी अदर शॉप्स. सो या डेफिनेटली गो इफ़ यू वॉन्ट सम फर्नीचर.